गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। सो ओपन योर SST बुक पेज नंबर 20। ओके, सो चैप्टर नेम इज द प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड आइलैंड इन इंडिया। प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड्स इन इंडिया वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड डेजर्ट एंड आइलैंड्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दीज कंटेंट्स, लोकेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड्स इन इंडिया, एंड सेकेंड लाइफ इन द प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड्स इन इंडिया। ओके, सो यू विल रीड दिस पेज नंबर, ओके, यू विल रीड पेज नंबर 20। एंड नाउ पेज नंबर 21, ओपन योर पेज नंबर 21। स्टूडेंट, एज यू नो, यू हैव स्टडीड अबाउट सिक्स डिविजन्स, एंड वी इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड टू डिविजन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू इन इंडिया। ओके, सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फोर डिविजन्स। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस फोर डिवीजन हेल्प विद दिस फ्लो चार्ट। सो नाउ फिजिकल डिवीजन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। ओके, सो हियर फिजिकल डिवीजन्स, फोर डिवीजन्स। ओके, सो एंड नाउ द नॉर्थ प्लेन्स डिवाइडेड इंटू रिवर बेसिन, गंगा बेसिन। सो रिवर बेसिन्स आर गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, सतलज बेसिन। एंड लाइफ, फूड क्रॉप्स आर ग्रोन, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थार डेजर्ट। सो थार डेजर्ट, टाइप्स ऑफ थार। सो थार डेजर्ट, almost no rainfall water from canals and sand dunes and oases. Camels and camels, cactus, baboon. आपको पता है कि यहाँ पर कैमल और कैक्टस होते हैं। थार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, डेजर्ट, थार डेजर्ट। नेक्स्ट है हमारा, ओके, नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट इज नोमेड्स लाइफ हियर। नोमेड्स लिव हियर, जो नोमेड्स लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कोस्टल प्लेन। सो कोस्टल प्लेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोथ पार्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो दीज आर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग्स आर ऑक्यूपेशन। एंड सेकेंड, मैनी टूरिस्ट लोकेशन एंड पोर्ट। एंड थर्ड, लेगूंस अलोंग द कोस्टल बेल्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो हमारा डिविजन है, आइलैंड्स। सो आइलैंड्स, देयर आर टू आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप्स आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड। नेक्स्ट, अब वी विल डिस्कस अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, इन वी विल डिस्कस फिजिकल द नॉर्दर्न प्लेन। देयर आर फोर डिविजन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। सो नाउ फर्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो स्टूडेंट्स, पुट योर फिंगर ऑन द बुक। द नॉर्दर्न प्लेन्स रेफर टू द लार्ज फ्लैट रीजन एट द फुट सिल्स ऑफ द हिमालयाज। ओके, आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स का जो लार्ज फ्लैट रीजन है, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, एरिया, वह हिमालयाज के फुट कहाँ पर है, फुट हिल्स में है ना, कहाँ पर है, हिमालयाज के नीचे। तो आप देख भी सकते हैं, यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ, देयर इज अ सैटेलाइट इमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स बिलो द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, है ना। आप देख रहे हैं साइड में ये पिक्चर, इमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स बिलो द फुट हिल्स ऑफ द
हिमालय, जो कि हिमालयस के नीचे वाले भाग हैं. ओके सो नेक्स्ट पुट योर फिंगर ऑन द बुक. स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ओके सो हियर बताए हैं कि जो स्ट्रेचिंग वेस्ट में पंजाब एंड ईस्ट में आसाम तक ये क्या फैला हुआ है, स्ट्रेच है. ओके दीज प्लेन्स लाई इन द पाथ ऑफ द रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन द हिमालयस. सो स्टूडेंट ये जो मैदान है वो क्या है, हिमालय से ये जो प्लेन्स हैं जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स के पाथ में आते हैं, रास्ते में आते हैं. द रिवर्स कैरी सॉइल, जो रिवर्स जो क्या क्या लेकर आती हैं कैरी करती हैं, जो लेकर आती हैं सॉइल, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड सिल्ट. सिल्ट होता है वो एक टाइप का कीचड़ होता है मिट्टी का. एंड डिपॉजिट दैम इन द प्लेन, और वो कहाँ पे जमा करती हैं, डिपॉजिट करती हैं प्लेन्स में, है ना. द फाइन सॉइल और सिल्ट डिपॉजिटेड इन द. ओके सो नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज. डिपॉजिट इन द प्लेन्स इज कॉल्ड एल्यूवियम. ओके सो जो ये बताया है, जो ये सब चीज़ें डिपॉजिट करती हैं प्लेन में, है ना, डिपॉजिट इन द प्लेन द सॉइल और द फाइन सॉइल और सिल्ट जो डिपॉजिट होती है किस में, प्लेन में. सो दैट इज एल्यूवियम, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्यूवियम, विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉपिंग, गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स. तो ये क्या बहुत अच्छा होता है उसके लिए, क्रॉप के लिए गुड फर्टाइल है उसके लिए, किस लिए, गुड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए गुड है, बहुत अच्छी फर्टाइल है जिससे क्रॉप क्या होती है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करती है. द फ्लैट सरफेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड availability of enough water have also helped in the setting up of big industries in these region. Region means होता है जो area होता है. Okay student, so next is, okay, the flat surface of the northern plains and availability of enough water have also helped in the setting up of big industries in this region. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनफ वाटर से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की वजह से यहाँ पर इन क्षेत्र में, इन रीजन्स में क्या होता है, बिग इंडस्ट्रीज सेट करने में हेल्प मिलती है. जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, बिग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको सेट करने में हेल्प मिलती है. ओके सो ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण से अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़, सब ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस हैव डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन. इसी कारण से यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज, टाउन्स और जो विलेजेस का है जो डेवलपमेंट हुआ है. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर सम स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, है ना, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और जो है ना वहाँ कहाँ पर हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं. सम पार्ट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा ऑल्सो लाए इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. और जो आसाम और त्रिपुरा का कुछ हिस्सा, सम पार्ट्स भी नॉर्दर्न प्लेन्स में है. ओके सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी अ मैप ऑफ इंडिया. सो यू कैन सी नॉर्दर्न प्लेन पार्ट, है ना, आप देख सकते हैं वहाँ पे नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न प्लेन में वहाँ पर देखिए गंगा है एंड देयर इज ब्रह्मपुत्र, है ना, यमुना. सो ओके स्टूडेंट, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर. ओके सो नाउ ओपन योर पेज नंबर. ओके सो यू कैन सी ऑन द मैप, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का मैप, हियर इंडिया मैप. सो द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स दिख रहा है आपको, आप ऊपर का जो हमारा पार्ट है इंडिया के मैप में. सो देयर इज नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड और कौन सी रिवर है, देख रहे हैं आप, सतलज, गंगा
ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, है ना, ये सब क्या है, बेसिन क्या है, गंगा गंगा बेसिन एंड सतलज बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन हेयर, है ना। सो देयर आर, सो दीज जो रिवर्स हैं गंगा बेसिन एंड सतलज बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, कहाँ पर है ये, नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना। यू कैन सी हियर ऑन द मैप, आप मैप पर देख सकते हैं, ओके। सो इन दिस मैप, ओके, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 23। सो वी विल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, अब नॉर्दर्न प्लेन्स की लाइफ के बारे में। नाउ इन द हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे हमने डिवीजन पढ़े उसमें से हमने सबसे पहले फर्स्ट हमने किसको लिया इसमें बुक में, इसमें है बुक में फर्स्ट पॉइंट है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है कि वो जो इंडिया का जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन जो इसमें मैप में शो हो रहा है, वहाँ पर आपको उसको अच्छी तरह से समझना है और उसको मैप को अच्छी तरह से देखना भी है, ओके। सो नाउ लेट मी स्टार्ट लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन। सो वी ओके, सो इन द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी कैन सी जो नॉर्दर्न लाइफ है, नॉर्दर्न प्लेन्स की लाइफ है उसको हम देख सकते हैं ना। नाउ द फ्लोइंग टेबल शोज द मेन स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट सिटीज इंडस्ट्रीज क्रॉप्स एंड मेजर फेस्टिवल्स, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी कैन सी सम इम्पॉर्टेंट सिटीज and what they grow and what they make and what they celebrated, है ना। कहाँ पर, in the north plain, ओके। कहाँ पर, north plain में सबसे पहले हम states आएंगे पंजाब एंड हरियाणा। अब जो वहाँ पर ये northern plain में है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, northern plain में पंजाब एंड हरियाणा। सो देयर इम्पॉर्टेंट सिटी इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के जो इम्पॉर्टेंट सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, सो नाओ लेट मी टेल यू, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर एंड गुरुग्राम। गुरुग्राम कौन सा है बेटा, जिसको पहले हम गुड़गांव बोलते थे, अब उसका न्यू नेम है गुरुग्राम, ओके। एंड दे ग्रो, वो क्या ग्रो करते हैं ये इधर सिटी के ये लोग, दे ग्रो वीट, राइस, शुगर केन, मिलेट एंड ऑयल सीड्स, ओके। एंड दे मेक, वो क्या बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, डेयरी फार्मिंग। एंड दे सेलिब्रेटेड, वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, विच फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, वैसाखी, होली, दिवाली, लोहड़ी, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। सो नाउ उत्तर प्रदेश लखनऊ, ओके, सो कानपुर, आगरा, कोलकाता, पटना, ओके। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड व्हाट दे ग्रो, राइस, वीट, शुगर केन एंड जूट। एंड व्हाट दे मेक, लेदर, जूट, आयरन एंड स्टील, शुगर, ओके। एंड व्हाट दे सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करते हैं, विच फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, छठ, दशहरा, ईद, ओके। एंड नेक्स्ट इज आसाम एंड त्रिपुरा, एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा, गुवाहाटी और दिसपुर एंड अगरतला, है ना। नेक्स्ट हमारा है एंड व्हाट दे ग्रो, वो क्या ग्रो करते हैं, राइस करते हैं, टी, जूट, बैम्बू। एंड व्हाट दे मेक, और वो क्या बनाते हैं, ओके, टी, सिल्क, ऑयल, रिफाइनरी, है ना। एंड वो विच फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो बिहू एंड खर्ची एंड पूजा, खर्ची पूजा, वो क्या करते हैं, खर्ची पूजा। आई यू नो वेरी वेल कि बिहू इज़ द फेमस डांस ऑफ आसाम, जो बिहू डांस है वो आसाम का है, आपको पता है इस चीज़ को, है ना। सो नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट
and in paragraph. Okay, so we will discuss importance of the northern plains. What is the importance of northern plains? The northern plains are very important for our country. जो नॉर्दर्न प्लेन्स, आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, कितना बेनिफिट है, कितनी अच्छी क्रॉप्स होती है यहाँ पर, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. सो दैट्स वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री. इसीलिए यहाँ पर डैम्स भी हैं, है ना, रिवर्स भी हैं, बहुत बड़े बिग बिग रिवर्स हैं. सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आर कंट्री. तो ये हमारी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट पॉइंट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द ग्रीनरी ऑफ इंडिया. ग्रीनरी, वॉट इज द मीन्स ऑफ ग्रीनरी? ग्रेनरी मीन्स होता है अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर, जहाँ पर ग्रेन को स्टोर किया जाता है, दैट इज ग्रीनरी. तो सो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरी भी बोलते हैं इंडिया का. अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन सच एज वीट, पल्सेस एंड मिलेट राइस आर ग्रोन हियर. सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? अ लार्ज, बहुत सारे अमाउंट में ग्रेन, वीट, पल्सेस, मिलेट एंड राइस होते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लैट सरफेस. आप ये क्या आप कर रहे हैं? व्हाट वी विल डिस वी आर यस यस बेटा, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, कि नॉर्दर्न प्लेन की इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्या क्या चीज़ें उसमें क्वालिटी है, क्या क्या है उसमें स्पेसिफिक उसकी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लेन्स हैज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड रोडवेज एंड रेलवे सिस्टम. सो जो वहाँ पर फ्लैट सरफेस है तो वो किस में हेल्प करता है? वो किस में? उसमें गुड रोडवेज में एंड रेलवे सिस्टम में हेल्प करता है. ओके, सो ये जो हमारा फ्लैट जो सरफेस है, जो मैदान है, सीधा मैदान है, फ्लैट सरफेस है, तो वो हेल्प करता है रोडवे एंड रेलवे सिस्टम में, उसको डेवलप करता है ना. और देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, सीमेंट, शुगर एंड जूट इन द नॉर्दर्न प्लेन. और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आयरन एंड स्टील की, सीमेंट की, शुगर एंड जूट की, कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन्स में. एंड नेक्स्ट है हमारा, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डैम्स बिल्ड ऑन द मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. फॉर एग्जाम्पल, भाखरा नांगल डैम ऑन द रिवर सतलज दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन टू द फार्म. सो देयर आर, यहाँ पर क्या है, डैम्स भी हैं, बिग बड़े बड़े डैम्स भी हैं जो बिल्ड हैं ऑन द मेजर रिवर्स, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनके, है ना, जैसे. ओके, सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डैम्स, जो इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं बिल्ड ऑन द मेजर रिवर, कहाँ पर? बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स की आपको पता है कौन कौन सी रिवर्स हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, है ना. सो वहाँ पर क्या है, ये डैम्स हैं. सो एग्जाम्पल इज भाखरा नांगल डैम, जो किस पर बना हुआ है? ऑन द सतलज रिवर, सतलज जो रिवर है उस पर बना हुआ है. दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन टू द फार्म. वो क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए? हम वो जो खेतों पे सिंचाई के लिए, जो खेत हैं वहाँ पे फार्म्स हैं उनकी सिंचाई के लिए, है ना. ना चलिए, नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर नेक्स्ट पेज. ओके, सो पेज नंबर 24. ओके, सो यू कैन सी हियर नॉर्दर्न प्लेन. आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में नॉर्दर्न प्लेन. ओके, अगेन यू कैन यू सी. ओके, देयर आर ग्रीन पार्ट, है ना, जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो दैट इज नॉर्दर्न प्लेन. ये क्या है हमारा? नॉर्दर्न प्लेन, जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं उस पर लिखा भी हुआ है द नॉर्दर्न प्लेन, है ना. वहाँ पर देख भी सकते हैं आप गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, जो बिग बिग रिवर्स हैं, है ना, वो भी बनी हुई है वहाँ पर. ओके, सो ग्रीन पार्ट हमारा कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स. चलिए, सो नाउ अब वी विल डिस्कस अबाउट रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रिवर बेसिन्स के बारे में, है ना. सो द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिन्स नेम्ड आफ्टर द थ्री मेजर रिवर्स. सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर जो थ्री बेसिन्स हैं, है ना, थ्री बेसिन्स आफ्टर द थ्री. ओके, सो जो हमारा है, तीन जो थ्री
जो तीन घाटियां हैं उनके नाम पर थ्री बेसिन है ना, थ्री बेसिन है उनके नेम पर, तीन घाटियों के नाम पर तीन बेसिन, थ्री बेसिन। सो दैट इज द फर्स्ट है हमारा द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन। ओके, थ्री बेसिन। सो द एरिया थ्रू विच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इज कॉल्ड द बेसिन। तो व्हाट इज द बेसिन, बेसिन क्या है हमारा। सो वह एरिया, दैट इज वह एरिया जिसके थ्रू से एक नदी और रिवर एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदियों का जो फ्लो होता है ना, उस नदी का जो वो क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आधार, जो उसका बेसिन है वो कहलाता है। ओके स्टूडेंट, द एरिया थ्रू विच अ रिवर एंड एट ट्रिब्यूटरीज फ्लो इज कॉल्ड द बेसिन, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन ऑफ दैट रिवर है ना, उसका क्या कहते हैं, उसका बेसिन कहते हैं, ऑफ दैट रिवर। सो द गंगा बेसिन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो गंगा बेसिन है वो क्या है, उसका जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है कहाँ का, नॉर्दर्न प्लेन का। ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का। ओके स्टूडेंट, सो थ्री बिग रिवर्स हैं, द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड प्रोवाइड वाटर टू दिस रीजन। ओके, सो हियर फोर बिग रिवर्स, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, नॉर्दर्न प्लेन में ये बिग रिवर्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट होम।